તાપી જિલ્લાના સુક્તર અદિતિ મિત્તલ દર વર્ષે કંઈક અલગ રીતે ગણપતિ બનાવે છે. આ વર્ષે તેમણે 5100 માટીના દીવામાંથી ગણપતિ બનાવ્યા છે. વિસર્જન બાદ આ દીવા જરૂરિયાતમંદોના ઘરે પ્રકાશિત કરાશે. જરૂરિયાતમંદ લોકોને દીવા સહિત તેલ અને વાટનું વિતરણ પણ કરવામાં આવશે. ડોક્ટર અદિતિ છેલ્લા 7 વર્ષથી સતત તરબૂચ, ડ્રાયફ્રૂટ્સ, નારિયેળ, મકાઈ, સાબુ વગેરેમાંથી ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણેશની મૂર્તિ બનાવી રહ્યા છે. और इसको बनाने में मुझे 8 दिन जैसे लगे हैं. और ये दीपक हम विसर्जन के बाद, जो गणेश जी की प्रतिमा है, पूजा विधि करने के बाद, विसर्जन के बाद हम इनको स्लम एरिया में बांटेंगे दीपक को अलग करके. और जो स्लम एरिया है वो उसको दिवाली में यूज़ करके अपना घर रोशन कर सकता है. तो इससे मेरा 2 मैसेज जा रहा है कि हमको वोकल फॉर लोकल एक मूवमेंट प्रमोट जो हम करना चाहते हैं वो. और दूसरा, हम जितने भी हमारे हिंदू फेस्टिवल्स हैं वो हम इको फ्रेंडली वे में और ज़ीरो वेस्ट के साथ हम सेलिब्रेट कर सकते हैं. आज मैं ये मॉल घूमने आई थी और आई सॉ दिस गणेशास विच वर मेड ऑफ 5100 दियास, जो कि यहाँ से विसर्जन होने के बाद स्लम एरियाज में गरीबों में बांटे जाएंगे. जो नीडी पीपल हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये दियाज दिए जाएंगे एंड दे विल लाइटन अप देयर हाउस. दिस इज़ द वेरी नाइस कॉन्सेप्ट.